पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित मलंग चौक पर है, जहां छठ और दीपावली के पहले अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे दुकानदारों पर संकट आ गया है। दुकानदारों को इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और दुकानदार अपनी समस्या को यहां बता रहे हैं। आइए हम जानते हैं दुकानदारों से कि किस तरह की समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भाई? ये दीपक कुमार गुप्ता है। दुकान था बगल में, सामान मिल क्या लगा मौका नहीं मिला, सारा सामान उसे मिटा था किया, निकल नहीं पाया। जब जेसीपी से सब मर जाते पहले हमने सब आपको पहले से नोटिस दिया गया था? नहीं, कुछ नहीं मिला हुआ था, कुछ नहीं मिला हुआ। आप बताइए, नोटिस कुछ नहीं खेम मिला आ डरे के लगा डरे के का लगे जेसीपी से धाका धा दे लग नोटिस मिले पहले रहला नोटिस मिला रहला का त हमने का साइड कर दे लिया। अब नोटिस ना मिलल बा आ डायरेक्ट ढा उ के का निकाल सुविधा नहीं। प्रदीप चौधरी नाम है मेरा। किस चीज का दुकान था आपका? मीट मछली दुकान है, सब दवा तुरतार दिया है उसमें। हाँ। कल मरने से भी बच गए, जेसीपी एक बेर डायरेक्ट गिरा दिया एकदम पूरा एकदम उसमें मर ये भी बच गया, हम भी बच गए। करकट से गर्दने कटा जाता चाहे कुछ कटा जाता। अपन का नाम बा? बैजू सा। अथी के दुकान बा? उहे मिठाई उठाई होटल उहे बा, उहे बा, उहे बा। सब हमनी के तो साफ बरमबार लोग कह दिलक साफ बाल बाल बच्चा के लेके वही में छुट्टी न दिलन मौका न दिलन कोनो सारा कपड़ा लता बर्तन बासन सब वही में फोड़ फाड़ दिया। दौड़ी दुकान लीटी फीटी सब वही में तोड़ तता एक बार खान का धप दिन मार साफा मौका न हो बाबू। हमनी के तो दिन रात रोई रोई आ खाना जगह न कमा लाई मुढ़ी बेची ले हुए मलंग बाबा तो गुजर कर करी ले लाई मुढ़ी बेची। अब बताओ हम का कर सके आगे। अपन का नाम बा? जमीला खातू। अपन कथी के दुकान रख? चूड़ी बा, चूड़ी लाठी। भैया चूड़ी लाठी, चूड़ी लाठी के दुकान रख। कल अपनो दुकान होटल। हाँ। अब हमारे साथ बात करने के लिए MIM नेता राणा रंजीत सिंह हैं, जो इनके सामने यहाँ के दुकानदार अपनी समस्या रखे हैं और इनका क्या कहना है इनसे हम खुद जानते हैं। देखिए, ये त्यौहार के समय बहुत ही दुखद काम किया प्रशासन के द्वारा, जो सालों से जिन्होंने दुकान लगाया हुआ था 10 दिन के बाद अगर हटाते तो क्या हो जाता। एक गरीब आदमी उधार पैंचा लेकर के सोचता है, पूरे साल इंतज़ार करता है कि छठ और दिवाली का समय आएगा तो हम सामान बेचेंगे, 2 पैसा कमाएंगे और अपने कर्जे को सधाएंगे, तो ये 10 दिन बाद अगर किया जाता तो क्या दिक्कत था। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। बेचारे दीपक भाई का पूरा होटल को तोड़ दिया गया। यहाँ हमारे कामेश्वर भाई हैं, इनका चप्पल का दुकान है। मतलब गरीब लोग जो है उधार पैसा ला करके अपना फल सब्जी, चूँकि छठ में नारियल का फल का और शॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है, एक अमूमन जो व्यवहार है इंसान का खरीदारी का उसका 5 गुना बढ़ जाता है और लगभग मुझे लगता है कि 100 से अधिक दुकानों को इस तरीके से क्षति हुआ है। बहुत दुखद है और हम लोग प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जिसका इसका नुकसान हुआ है हम लोग इसको एक बहुत ईमानदारी से एक हम लोग नोट बना रहे हैं कि किसका किसका कितना नुकसान हुआ है। बहुत लोगों का सामान तोड़ दिया गया, दुकान तोड़ दिया गया, कोई लिखित में नोटिस नहीं दिया गया, केवल एक दिन माइकिंग किया गया। तो ऐसा माइकिंग तो बहुत पहले से होता रहा है लेकिन लोगों को आश्वस्त था कि भाई छठ का पर्व खत्म हो जाएगा, 2 पैसा कमा लेंगे, जो कर्जा उर्जा लिए हैं सधा करके फिर हम लोग दुकान खाली कर देंगे। तो इसको बैठ करके जरा ढंग से बात किया जाना चाहिए था, सभी दुकानदारों को बैठना चाहिए था, प्रशासन से बात करना चाहिए था कि देखिए हम लोग आपको मौका दे रहे हैं, पर्व तक आप लोग अपना दुकानदारी करिए लेकिन पर्व के बाद आपको हटाना पड़ेगा। ये बहुत गलत है और इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। त्यौहार का समय है, लोग अपने घर परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हैं और ये सब रो रहे हैं बेचारे, इनको खाने के पैसे नहीं है। अभी लोग बेचारा छठ दिवाली जो है भूखे प्यासे रहेगा, तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत स्टेप रहा है। आप क्या मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे मालूम होता तो मैं धरने पे बैठता इनके साथ, लेकिन मैं दूसरे जिला में था, गया जिला में चुनाव है, इस वजह से हम लोग यहाँ नहीं थे और मेरे किसी भाई ने जानकारी मुझे नहीं दिया। और एक बार माइकिंग हुआ था लेकिन हम लोगों को लगा कि यूँ ही माइकिंग हुआ है, त्यौहार में कम से कम डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत गलत स्टेप है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी चाहिए। और कुछ लोग तो बढ़ते बढ़ते बचे हैं, कोई बात करने गए, अनुरोध करने गए कि भाई कुछ दिन रुक जाइए, तो उनके ऊपर जेसीबी चलाने लगे, कह रहे हैं कि भाई तुम्ही को दबा देंगे। पर प्रशासन जो है लोगों की सेवा के लिए है, लोगों के सहूलियत के लिए है। अरे भाई, जो 2 साल से 4 साल इतने सालों से दुकान चल रहा था, 10 दिन और चलता तो क्या बिगड़ जाता। और टाइमिंग यहाँ पर शाम में दुकान अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए, हमारे भाई को चोट लग गया, बेचारे को फ्रैक्चर हो गया है,
माता जी को जो है धक्का मार दिया गया, इनका चूड़ी लाठी का दुकान है। अतिक्रमण अमूमन दिन में हटाया जाता है, लेकिन यहाँ का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम में हुई है। बहुत गलत स्टेप है। यहाँ के जो जन प्रतिनिधि हैं उनको भी जरा इसमें सजग रहना चाहिए था। जनता आपको अपने गार्जियन के रूप में देखती है और उस पर जो है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। ऐसा नहीं, सब लोग कोई यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, कोई शराब तो नहीं बेच रहे थे, कोई गलत काम तो दुकानदारी कर रहे थे। गरीब लोग बेचारे बहुत गलत हुआ है। मैं यहाँ आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने एक ईमानदारी से एक लिस्ट बनाइए और जिसका जो नुकसान है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।